वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के इस वीडियो में हाल ही में हुए दिल्ली पुलिस से एग्जाम क्वेश्चन पेपर के 30 इम्पोर्टेंट सवालों को आपसे पूछेंगे और उसका जवाब भी बताएंगे। यदि आप इसे 30 सवालों में 15 से 20 का भी सही आंसर कर लेते हो तो आपका तैयारी अच्छा माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका स्कोर क्या होने वाला है, अंत तक देखिएगा। पहला सवाल है, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 27 फरवरी को। आगे सवाल है, एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? सही आंसर है रूस। आगे सवाल है, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? सही आंसर है यूपी के गोरखपुर से। आगे सवाल है, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? सही आंसर है हरित क्रांति में अच्छा योगदान देने के लिए इन्हें जाना जाता है, तो आंसर हरित क्रांति है, ऐसा सवाल आया था, स्टूडेंट लोग बताया है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। आगे सवाल है, आजादी के बाद गांधी जी की हत्या कब कर दी गई? सही आंसर है 30 जनवरी 1948 को। आगे सवाल है, वेग किस तरह की राशि है? वेलोसिटी किस तरह की राशि है? सही आंसर है सदिश राशि। आगे सवाल है, दुनिया का कौन सा तत्व जो सबसे कम सक्रिय होता है? सही आंसर है सीसा। आगे सवाल है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा। आगे सवाल है, अष्ट प्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? सही आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज के। आगे सवाल है, कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। सही आंसर है उदागी। आगे सवाल है, टैब्रो मोनेस्ट्री कहां पर स्थित है? आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आगे सवाल है, पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? सही आंसर है गंगा देव। आगे सवाल है, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? सही आंसर है काली मिट्टी। आगे सवाल है, संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। आगे सवाल है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? सही आंसर है औरंगजेब ने। आगे सवाल है, डेनमार्क की मुद्रा का नाम बताइए। सही आंसर है क्रोन। आगे सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सही आंसर है लाला लाजपत राय को। आगे सवाल है, दक्कन के पठार कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है महाराष्ट्र में। आगे सवाल है, सर्वाधिक विधानसभा की सीटें यूपी के किस जिले में है?
सही आंसर है इलाहाबाद। आगे सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आंसर है आर्यभट्ट ने। आगे सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम बताइए। सही आंसर है पलाश, पलाश का फूल। आगे सवाल है, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर है नीरजा भनोट। आगे सवाल है, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे सवाल है, बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है लखनऊ। आगे सवाल है, जायसी स्मारक कहाँ पे बना है? सही आंसर है अमेठी। आगे सवाल है, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सही आंसर है सरोजिनी नायडू को। आगे सवाल है, टोनिका सिटी कहाँ पे है? आंसर है गाजियाबाद। आगे सवाल है, तबला का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है अमीर खुसरो ने। आगे सवाल है, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? आंसर है महात्मा गांधी। आगे सवाल है, अंपायर सिटी किसे कहा जाता है? सही आंसर है न्यूयॉर्क को। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और आपका स्कोर क्या हुआ आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रजनों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।